फीमर टीबिया पटेला तीन बोन रहती है हमारे अंदर, ठीक है, इनके ऊपर हमारे कार्टिलेजी कवरिंग रहती है, ये दो मेनिस्कस है गद्दी, ये टूटा हुआ एसीएल। अब हमारा एसीएल टूट गया पूरा और दूसरा हमारा मेनिस्कस ही फट गया और हम कई दिनों से चला रहे हैं। तो पहले भी कभी चोट लगी थी क्योंकि ये ना घिस गया है कार्टिलेज, मतलब हमारा बहुत लंबे समय से एसीएल टूटा हुआ है, उससे हमारा ना पाँव ऐसे हिल रहा है। अब ये हिल हिल के क्या हुआ, ये जो कार्टिलेज है ना ये घिस गया, 50% कम हो गया। अब ये ऐसे ही चलता रहा तो ये कार्टिलेज ऐसा हो जाएगा थोड़े दिनों में और फिर नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो अभी ठीक करने का तरीका है कि अभी इसको एसीएल को ठीक किया जाए, मेनिस्कस को ठीक किया जाए, नहीं तो घुटना खराब ही हो रहा है। जनरली सर्जरी में क्या करते हैं, ये ऐसे सर्जरी होते हैं, तो जनरली दो हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालते हैं, एक निकाला दो निकाला, दोनों को हमने डबल किया और 4 times हो गया। ऊपर बटन लग गया, बटन और इसके बीच में वायर लगा हुआ है, फाइबर वायर है और नीचे भी बहुत सारे वायर्स। तो इस सर्जरी में, स्क्रू सर्जरी में मेटल यूज होता है, फाइबर यूज होता है। फिर पुराना एसीएल निकाल दिया जाता है दूरबीन से, ऊपर बड़ा छेद होता है, एक बड़ा छेद नीचे करते हैं, आपका एसीएल डाल देते हैं और नीचे लग जाते हैं स्क्रू, और जो बचा हुआ लिगामेंट होता है स्टेपलेट लग गए या को काट के फेंक दिया। अब ये हो गई सर्जरी पूरी, अब इसके अंदर तो ब्लड वेसल्स ना बेंडिंग कुछ नहीं, अभी तो नया नया आया है, ये हड्डी से चिपका भी नहीं है, अमरज होने में भी टाइम, तो 1.5 महीना तो हड्डी से चिपकने में लगा देगा ये, तो 1.5 महीने हो गया रेस्ट, ब्रेस आ गया, पैर बैंड नहीं कर सकते, ब्लड वेसल्स ग्रो करेंगे, फिर धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी। 6 महीने से पहले रनिंग नहीं कर पाओगे, 6 महीने लगाएगा, 6 से 9 महीने ये मजबूत होने में, उसके बीच में कभी भी गिर गए बाय चांस, 9 महीने से पहले कभी फिसल गए, बाथरूम गिर गए, कुछ भी हो गया, सेकेंडरी इंजरी आफ्टर द सर्जरी, ये चीज टूट जाएगी। सो इसमें क्या है ना, पेशेंट को डिप्रेशन, पेन, घर पे रहना और वापस ढीला होना बहुत ही कॉमन है। तो जैसे हमारे हर चीज में डेवलपमेंट हुआ, अब एसीएल सर्जरी में भी काफी डेवलपमेंट हुआ। कैसे हुआ, बटन की क्वालिटी बदल गई, अब बटन की क्वालिटी जनरेशन 2 की, बटन और ग्राफ के बीच में अभी टेप है, पहले वायर था अब टेप आ गई, टेप है ना ग्राफ को काटता नहीं, पहला तो इम्प्रूवमेंट यहाँ आया। दूसरा इम्प्रूवमेंट आया हमारे हड्डी कटने में, जहाँ हड्डी बड़ी कट रही थी, हड्डी बिल्कुल पतली कटी है, फ्लिप कटर यूज हो रहा है, खुलता है, जहाँ तक मैंने लिगा फिर बंद हो गया, तो बंद हो गया तो बाहर की हड्डी नहीं कटी ना, ना ऊपर कटी और ना नीचे कटी, दोनों जगह फ्लिप कटर यूज हुआ, ये बंद हो गया। सो दर्द कम होगा ऑपरेशन का, होगा ही नहीं। अभी जो बटन है वो ऑटोमेटिक बटन है, एडजस्टेबल, मतलब बटन फ्लिप होने के बाद जब एक दो धागे खींचते हैं तो अपना टाइट हो जाती है, टाइट हो रहे हैं। नीचे आप देखोगे तो बटन नहीं है, क्यों, बटन फंस जाएगा, छेद छोटा है तो बटन इसमें बाद में लगता है। तो ये डेवलपमेंट हुआ कि हमने नीचे स्क्रू लगे, नीचे बटन लगा दिया, तो हड्डी कम कटी, दर्द कम हुआ। दूसरा, बटन के साथ बेंडिंग पहले दिन से अलाउड है, बटन बाहर नहीं आएंगे, स्क्रू में बेंडिंग पहले दिन से करोगे स्क्रू बाहर आ जाएगा, ये भी 6 महीने तक कमजोर रहेगा क्योंकि ये भी वही टेंडन है हैमस्ट्रिंग का, वो भी वही टेंडन है, सेम टेंडन है। अब बाहर ब्रेस बनाने के बजाय डॉक्टर अंदर ही ब्रेस लगा देता है, तो ये ब्रेस है अंदर का, तो ये एक एडिशनल स्टेप है, सो ये अंदर ही ब्रेस लग जाता है, ये ब्रेस को एंकर के थ्रू फिक्स करते हैं, एंकर है, आइए इसमें ये अंदर लेके जाएगी, ये फिक्स होगा। कुछ लोग ब्रेस को यहाँ बांध देते हैं बटन में, जो गलत है, ब्रेस का फिक्सेशन अलग एंकर में होना चाहिए। सो इंटरनल ब्रेस करने के लिए सिर्फ फाइबर टेप की जरूरत नहीं होती, फाइबर टेप भी चाहिए, एंकर भी चाहिए, फिर अगर आपको हड्डी कम काटनी है तो फ्लिप कटर भी चाहिए, लूप भी चाहिए, बटन भी चाहिए। बेंडिंग पहले दिन से आ जाएगी, क्यों, क्योंकि बटन लगे हुए, तो बैंड कर लिया, बैंड करने से हमारे साथ लिगामेंट लंबे हो जाते हैं, जैसे बटन है ऊपर भी टाइट कर लिया, नीचे भी टाइट कर लिया, तो अब ये जो लिगामेंट ये पूरा खींच गया और खींच नहीं सकता, दूसरा इसमें प्रोटेक्शन भी आ गया, इंजरी वगैरह का मीटर नहीं है, तो इसमें बाहर ब्रेस की जरूरत नहीं है, बेंडिंग कर सकते हो, दर्द होगा नहीं, आप 10 से 15 दिन में ठीक हो जाओगे, चलने फिर लगोगे, क्यों इतना दिन बेड पे रहो, 1 महीने में जॉगिंग, 3 महीने में रनिंग, हम लोग आपको हर वीक कॉल करेंगे फोन पे, आपको हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, हमारा एक ग्रुप है एसीएल विनर, आप इसमें डालते रहना अपने वीडियो, अगर आप बार बार हमारे पास नहीं आ पाओ तो हम चेक करते रहेंगे सही चल रही गलत चल रही क्या चल रही, तो दूसरे लोगों से बात कर सकते हो, सभी सर्जरी हो रखी, तो क्लासरूम जैसी कोचिंग होती है। तो सबसे अच्छे इम्प्लांट्स हैं ये वर्ल्ड के, इससे ऊपर कभी भी इम्प्लांट है नहीं। आपका मेनिस्कस थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा, ज्यादा है नहीं, कॉम्प्लेक्स टियर है, मैं 15-20 दिन में ठीक हो जाओगे, नॉर्मल ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो 1 महीने के अंदर।